तो भाई साहब सुबह सुबह बाइक चलाने का ना मज़ा ही कुछ अलग है। एक्चुअली मैं सुबह उठा और मैंने कहा भाई मौसम अच्छा हो रहा है और एक काम भी है, चलो निकलते हैं घर से और चलाते अपनी बाइक, काफ़ी टाइम हो गया। तो अभी मैं हूँ यहाँ पर डीयू की साइड पटेल चेस्ट है और मैं अभी आर्ट फैकल्टी के सामने खड़ा हुआ हूँ। एक्चुअली मेरा काम नहीं था, किसी और का है, तो अभी उसी के काम से आया हूँ। तो मैंने कहा चलो क्यों ना मौसम का मज़ा लिया जाए और बढ़िया मौसम हो रहा है, एकदम पीछे ठंड हो रही है। आप ये सोच रहे होगे कि यार मैं हमेशा ये जैकेट क्यों पहनता हूँ, भाई साहब ये वरदान है ब्रह्मा के द्वारा दिया गया मेरे को कि मतलब कितनी भी ठंड हो जाए ठंड नहीं लग सकती मेरे को, इसलिए मैं हमेशा इस जैकेट को पहनता हूँ। तो अभी क्या है कि बाइक मैंने खड़ी करी है और मेरे को कुछ खाने का मन हो रहा था, तो मैंने सोचा कि यार चलो ठीक है मॉर्निंग में निकलते हैं घर से बाहर और जाके कुछ खाते हैं पटेल चेस्ट में, क्योंकि यहाँ पर डीयू के स्टूडेंट्स रहते हैं बहुत सारे, तो यहाँ पर ना खाने पीने के लिए हमेशा दिन रात सुबह शाम हमेशा मिलता रहता है। तो अभी इसीलिए मैं मुँह उठा के सीधा डीयू की साइड चला आया हूँ। तो अभी यहाँ खाते पीते हैं कुछ और देखते हैं, मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रीट फूड के बारे में दिखाने वाला हूँ और यहाँ का एटमोसफेयर दिखाऊँगा कि यार कॉलेज लाइफ क्या होती है यहाँ दिल्ली की। तो अभी बने रहिए, अभी तो स्टार्टिंग है, सुबह हुई है, तो अभी जैसे जैसे हल्का हल्का वो मतलब थोड़ा सा टाइम बीतता जाएगा तो स्टूडेंट्स आते रहेंगे। अभी क्योंकि अभी कॉलेज के अंदर कुछ फंक्शन वगैरह भी हो रहा है तो आज शायद आई कार्ड देख के जाने दे रहे हैं, तो आई कार्ड नहीं है अपने पास, तो दूर से दिखा सकते हैं और क्या करेंगे। तो अभी आप लोगों ने आर्ट फैकल्टी के अंदर का देखा और उसके बाद मैं बाहर आया, मैंने कहा चलो ठीक है एक बार चल के दिखा देता हूँ। और काफ़ी भाई भीड़ हो रही थी, आज क्लासेस चल रही थी वहाँ पर और कैसे कैसे करके मैंने एंट्री ले ली, फिर बाहर निकला चाय पी। अभी जा रहे हैं हम फूड ट्रक के पास और देखते हैं वहाँ खाने को क्या मिलता है। तो सबसे पहले उठाता हूँ मैं अपनी बाइक और निकलते हैं फिर यहाँ से। तो ना अभी चिकन मोमोज और खाने के बाद और कोक पी रहा हूँ, बहुत मज़ा आया सुबह सुबह। और अभी क्या है ना थोड़ा थोड़ा धूप निकल आ रही है और मौसम थोड़ा सा गर्म हो रहा है और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। थोड़े से महंगे थे चिकन मोमोज जो भी थे यार, 70 रुपये के 6 पीस है ना, तो 140 की फुल प्लेट थी, तो हमने 2 हाफ ली थी तो वो खा लिया है अभी। और अभी से ज़्यादा कुछ खाने की हिम्मत नहीं क्योंकि उसी से पेट भर गया हमारा। अभी मैं जा रहा हूँ घर की साइड और अभी देखते हैं कि घर पे क्या करना है, इससे ज़्यादा मैं यहाँ नहीं रुक सकता क्योंकि यार अभी ना टाइम हो रहा है, 2 बज रहे हैं दिन के और घर पे जाके भी और भी काम सुलटाने हैं, जैसे कि अपनी दिल्ली वाली लैंग्वेज में बोलते हैं ना सुलटा देना, तो सेम वैसे ही है। तो निकलते हैं अभी और पहुँचते घर, आई एम रेडी।
चॉइस में घर जा रहा था और मेरा मन नहीं हुआ यार, भूख लग रही थी मेरे को और भी, तो मैंने कहा चलो ठीक है क्यों ना एग रोल ट्राई किया जाए। और तो मैंने अभी बनवाया एग रोल और खा रहा हूँ, उसमें मेयोनीज है और नूडल्स हैं, मतलब चाउमीन है जो, और कैरेट वगैरह है जो भी है, और अनियन वगैरह सब है, अच्छा है, टेस्टी है। तो आज के लिए तो मेरा कोटा हो गया पूरा, घर पे जाके मैं खाना नहीं खाने वाला बिल्कुल भी, यही मेरे लिए इनफ है। तो आई होप आपने देखा होगा कि कैसे बन रहा था यहाँ पर देसी तरीके से एग रोल, काफ़ी टेस्टी है, मेरे को लग नहीं रहा था कि मतलब टेस्टी वगैरह होगा, बट बढ़िया है। तो चलो ठीक है, आते हैं अभी, अब निकलते हैं घर की साइड। तो हे गाइस, आप सभी को गुड मॉर्निंग। कल मैं काम के इतने फ्लो में मैं अपना मेन काम करना भूल गया और मैं घर आया, खाना पीना खाया, आग से किस हो गया, और मैं भूल गया कि मेरे को यार ब्लॉग का एंड भी करना है। तो इसीलिए मैं आज सुबह उठा हूँ और वीडियो एडिट करने के टाइम मेरे को याद है, अब यार मैंने तो ब्लॉग का एंड ही नहीं किया, और अभी 11 बज रहे हैं यहाँ पर, और मैं सो के उठा हूँ जस्ट अभी, और मेरा फेस देख के मतलब समझ सकते हो यार कि सो के उठाऊंगा ऑब्वियसली ना मैं। तो इसी के साथ यार आप ना मेरे को सजेशन भी दे सकते हो कि यार मेरे को किस टॉपिक पे ब्लॉग बनाना चाहिए, मैं तो कर ही रहा हूँ जो करना है, तो क्या पता मैं आपका एक टॉपिक पिक करके आपके टॉपिक के ऊपर ही ब्लॉग बनाऊँ। तो इसी के साथ आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप पहली बार इस चैनल पर आए तो चैनल को तो जरूरी सब्सक्राइब कर लीजिए यार, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलने वाला, तो आप जो सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता कुछ। तो इसी के साथ यार ब्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।